तो हम लोग जा रहे हैं कुछ स्पेशल लाने के लिए, देखते हैं क्या लाते हैं और क्या बनाते हैं। खाने का तो इच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी दो लाख है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं अपने घर में। मैं गई थी मार्केट और मार्केट से मैंने लाया है टमाटर, बैर लाया है, आलू, और ये सब नहीं था तो यही सब लेने के लिए गई थी। बाकी सब्जी सब है। तो आज हम लोग को खाने का मन कर गए चिकन, क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड में कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। तो हमने थोड़ा सा चिकन लिया है और चिकन का सोच रही हूँ आज रिजाला बनाऊँगी। तो रिजाला का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहुत ही सिंपल बनता है रिजाला और एकदम मसाले नहीं गिरता है। अगर आप लोग को हल्का खाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, सारा सब्जी को मैंने निकाल दिया है। अब इसे मैंने अच्छे से धो दूंगी और आलू वगैरह जो है उसको भी मैं साइड करके रख दूंगी। तो चलिए बनाते हैं फटाफट पहले रिजाला। तो चिकन को धो के मैंने दही में मैरिनेट करके छोड़ दिया है एक घंटे से। और अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ऑयल, यानी कोई भी आप रिफाइंड ऑयल डालिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और फ्लेवर वाला ऑयल नहीं डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए, मैं डाल रही हूँ एक चम्मच घी। और अच्छे से जब ये मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाले, खड़े गरम मसाले जितने भी हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इससे अच्छा सा एक खुशबू जब आना शुरू हो जाए। तब इसमें हम डालेंगे दो कटा हुआ प्याज। तो मैं काट के नहीं डालूंगी, प्याज को मैं पीस के डालूंगी, कि इसमें जो ग्रेवी बनता है ना बहुत ही स्मूथ रहता है। इसलिए आप अच्छे से पीस के ही डालें, तभी वो अच्छे से क्रीमी बन पाएगा। तो ये देखिए, दो कटे हुए प्याज लिया है, इसे मैं डाल दूंगी और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका जो अच्छा कच्चा वाला जो फ्लेवर है ना वो चला ना जाए। तो करते हैं इसे फटाफट फ्राई। और जब फ्राई ये हो जाए तब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसे भी मैंने अच्छे से पीसा हुआ है। और इसे भी हम मिला देंगे और अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब लगे कि अदरक और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं तब चिकन को मैं डाल दूंगी। और चिकन को बस मैं दही से मैरिनेट की थी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी। तो अभी मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी ढक के, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और जब तेल छोड़ना शुरू हो जाए, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से फ्राई होकर तेल छोड़ना शुरू हो गया है। और कलर आप लोग को थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली लाइट के कारण ऐसा हो रहा है। तो मैंने फ्राई कर दिया। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि चिकन मसाला एकदम हल्का सा, और थोड़ा सा मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर आप लोग ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले गिरते नहीं है। फिर भी मैं हल्का सा चिकन मसाला पाउडर दी हूँ। तो चिकन को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका तेल जो है ऊपर आना शुरू ना हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गया है और तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। जब लगे कि चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है तब इसमें हम डालेंगे काजू और खसखस का पेस्ट। 8 से 10 काजू और आधा चम्मच मैंने खसखस डाला है, यानी पोस्तू। तो दोनों को मैंने अच्छे से मिक्सी में पीसा है और वो मैं डाल दे रही हूँ। तो इसमें एकदम मसाले गिरता ही नहीं है और बहुत अच्छा बनता है। आप लोग नहीं ट्राई किए हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो ये देखिए, एकदम हल्का सा इसे फ्राई करना है, करीब आधा मिनट तक। ढक के मैं कवर करके छोड़ दी थी। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी ग्रेवी के लिए। तो हल्का सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फटाफट से इसे पानी डाल के मिला देते हैं और कवर कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा। ये बन जाने के बाद हम लोग भी लंच कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और चिकन के अलावा मैंने बनाया है सांभर और चावल, क्योंकि चिकन तो हम लोग खाएंगे, मेरा बेटा खाएगा नहीं, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। और सांभर भी मेरा बन गया है, तो गर्मा गर्म सांभर जस्ट अभी छौंकी हूँ। तो सबके लिए मैं निकाल रही हूँ खाना, और आरब को भी मैं खिला दूँगी। तो यही रहता है मेरा दिन भर का काम, वीकेंड भी पता नहीं चलता है कि रेस्ट करे थोड़ा। और अभी तो इतना बाहर का स्थिति ख़राब है कि हम लोग बाहर भी नहीं खा सकते हैं, इसलिए मैं घर में ही कोशिश करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा हद हुआ तो ही हम लोग बाहर का खाते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ मैं चिकन को भी निकाल लूँगी और सांभर भी मैंने निकाल लिया है। तो फटाफट खाना परोसते हैं और हम लोग सब कोई खाएंगे।
पूरा सप्ताह आपको जैसा खाना है खाना है, पाँचों दिन हम लोग वैसे ही खाते हैं। और वीकेंड जब आता है सैटरडे या संडे, उस टाइम पे सोचते हैं कुछ स्पेशल, कुछ अलग टाइप का कुछ बनाया जाए। तो अलग टाइप का अगर दोपहर में बनाते हैं तो वही दोपहर में ही तक रह जाता है, क्योंकि और रात में खाने को इच्छा नहीं करता है। तो चिकन जो था वो हल्का ही बनाई थी और दोपहर में ही हम लोग का हो गया। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और आप लोग देख सकते हैं मेरा विंडो से एकदम सनलाइट आना बंद हो गया है, क्योंकि रात हो गया है। तभी मैं बनाई हूँ कॉफ़ी और हम लोग थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि दिन भर आज सबका छुट्टी है, दोनों का ही, राहुल का छुट्टी नहीं है, उसका भी तो उसका भी यही सब चल रहा है। इसलिए हम लोग अभी थोड़ा बैठते हैं और चाय पीते हैं गर्मा गर्म, कॉफ़ी बार बार भूल जा रही हूँ तो कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा सा स्नैक्स लाई हूँ, बिस्किट और भुजिया, तो यही सब हम लोग खाएंगे। और आरव कर रहा है बदमाशी, वो देखिए सैड हो गया है, पता नहीं टीवी देखने खोज रहा है ना क्या। और बार बार उसे एक ही चीज़ याद आता है कि मम्मी हम बैठेंगे यहाँ पे तो हमको टीवी चाहिए, तो अभी नहीं मिला है इसलिए बैठा। तो आज हम लोग का घूमने जाने का प्लान था लेकिन नहीं हो पाया। और ये गए हुए थे एक्सेस मॉल, क्योंकि इनका आईफोन में दिखाई थी एक वीडियो में, टूट गया था स्क्रीन, स्क्रीन तो बन गया, उसके बाद स्क्रीन ठीक होने के बाद मोबाइल में और एक प्रॉब्लम आ गया, तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। एक दो जगह दिखाए थे लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि और नहीं बन पाएगा और खर्चा भी होगा। तो आज गए थे एक्सेस मॉल, तो एक्सेस मॉल ने भी यही बोला कि नहीं बन पाएगा, तो इसका मदरबोर्ड ना क्या ख़राब हो गया है। तो हमने छोड़ दिया, हम बोले अब छोड़ दो, उसके पीछे क्या लगे रहना है, तो नहीं हुआ, इसलिए हम लोग घूमने भी नहीं जाने सके। तो कल संडे है, कल देखते हैं अगर कहीं निकले तो। तो आज डिनर बनाने का हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने बनाया था चना, तो चना अभी भी रखा हुआ है, बस रोटी बनाना है, तो वही सब चलेगा डिनर में। तो गाइज़ आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। नए आए हैं इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चाय पानी होने के बाद देखिए फिर से मैं चाय बोल रही हूँ, यार भूल कैसे जाती हूँ मैं बार बार। तो ये देखिए आलू रखने वाला जो स्टैंड था उसको मैंने, स्टैंड को धो दिया था, अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि जब से मैं किचन में सेट हुई हूँ तब से मैंने नहीं धोया था, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और आलू वगैरह का तो समझ ही सकते हैं आलू में कितना मिट्टी होता है, तो मिट्टी के कारण बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये देखिए स्टैंड को मैं लगा दे रही हूँ, और कितना बुड़बक वाला मैं काम कर रही हूँ, नीचे से हमको लगाना चाहिए था, मैं ऊपर से लगा रही हूँ और बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यही बेवकूफ़ी वाला काम कभी कभी मैं कर देती हूँ। तो ये सब सेट करने के बाद जितने भी आलू प्याज को मैंने रखा है, देख सकते हैं ग्रीन वाला बास्केट में, सब मैंने डाल के रखा है अच्छे से, तो वो सब को मैं एडजस्ट कर लूँगी। और तीन वाला स्टैंड है, तो तीन वाला स्टैंड में मैं रखी हूँ, एक में प्याज आलू और लहसुन, तो यही सब मैं एडजस्ट करके रखती हूँ। और एक्चुअली ये वाला जो स्टैंड है ना, मुझे एकदम पसंद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मेरे किचन के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ रेड कलर का एक मंगवाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि देखते हैं अभी जाना पड़ेगा ना शॉपिंग के लिए, इधर आसपास भी है बट मैं मॉल से ही लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो देखते हैं एक दिन जाते हैं और लेके आते हैं। और ये स्टैंड हमारा रेडी हो गया है अच्छे से, और कितना क्लीन लग रहा है, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किए हैं इसको, टाइम मिला था मुझे, टाइम क्या हर दिन मेरा हो ही जाता है, लंच करने के बाद यही सब एक्स्ट्रा काम मेरा जो बच जाता है यही सब करते रहती हूँ, तो दिन भर एकदम रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये देखिए लहसुन और आलू प्याज जितने भी है वो सबको मैं डाल दूँगी। और मुझे लगा था सरस्वती पूजा के बाद ठंडा हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं यार, ठंडा जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब दरवाज़ा गेट खोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आंधी तूफान आ रहा है, और एकदम इतना ठंडा हवा चला रहा है। तो सारे दरवाजे और खिड़की को मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में मुझे लगता है मेरे को ही ठंडा लगता है, सब कुछ मैं बंद करके छोड़ देती हूँ, और बहुत ठंडा है, पता नहीं और कितने दिन लगेंगे ठंडा जाने में। तो ये देखिए ये सब काम होने के बाद मेरा स्नैक्स का डब्बा जो है वो खाली हो गया था, तो सारे स्नैक्स को मैं इसमें एडजस्ट करूँगी, डालूँगी। तो ये देखिए डेट्स का पैकेट था, तो आधा आया था उसमें, आधा नहीं आया था, तो अभी मैं आधा डाल दूँगी। और इसका जो क्या बोल रही हूँ मैं यार, तो सारा पैकेट जो है वो पैकेट को खाली कर दूँगी और डब्बा में मैं सारा डाल दूँगी। तो डब्बा अभी भी फुल नहीं हुआ, इसका मतलब डेट्स मंगवाना पड़ेगा। और ये स्नैक्स है आलू भुजिया, उसको भी मैं डाल दूँगी। आलू भुजिया घर में कोई भी नहीं खाता है, मैं अकेले खाती हूँ, तो ये सब जो चटपट वाला चीज़ आप लोग मेरे घर में देखिएगा ना तो समझ जाइएगा कि मैं ही खाती हूँ, मेरे लिए ही आता है, क्योंकि ये लोग उतना पसंद करते नहीं हैं, एकदम हल्का लाइट वाला खाना खाते हैं, मतलब जिसमें एसिडिटी वगैरह ना हो, और हमको यही सब खाना ज़्यादा पसंद आता है जिसमें एसिडिटी होता है। तो ये देखिए मैं सारा स्नैक्स को इसमें डाल दी हूँ और इसे मैं रख दूँगी, और मैं इधर काम में लगी हूँ। और एक तरफ आप लोग देख सकते हैं टीवी चल रहा है, सोफा में कोई बैठा हुआ है, तो ये बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, और मैं यही सब काम कर रही हूँ। आरब सो गया है, डिनर हो गया था हम लोग का, मैं आप लोग को बताना भूल गई थी, तो ये सब मैं डिनर के बाद एक्चुअली कर रही हूँ,
क्योंकि आरब जब तक जगा रहता है और आरब दिन में सोता नहीं है ना, तो उसको मैं सोचती हूँ कि जल्दी ही सुला दूँ, क्योंकि सुबह उसे जल्दी भी उठाना रहता है, तो इसलिए मैं उसे जल्दी सुला देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए आटा का जार में मैंने छोटा थोड़ा सा आटा था वो मैंने डाल दिया है, और यही सब समेट के मैं रख दूँगी। उसके बाद जाऊँगी अपना वीडियो एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि रात में ही मैं वीडियो एडिट करती हूँ, वरना दिन में और टाइम नहीं मिलता है, तो रात में करीब 12-1 बज जाता है मेरा भी सोते सोते। तो और एक चीज़ मैं भूल गई थी, ये देखिए सब्जी बाहर में रखा हुआ था, तो सब्जी को भी मैं प्लास्टिक में डाल के अच्छे से पोंछ के रखूँगी ताकि ख़राब ना हो। और बाहर में मतलब ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है टमाटर वगैरह, बस एक आध गो ही लगता है दिन में, तो मैं रख दूँगी फ्रिज में ना ख़राब ना हो, ताकि लंबे समय तक रहे। तो उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगली बार आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।